नमस्कार, एस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बीजापुर के सभी हिंदू मुसलमान भाई और नौजवान से मेरी अपील है कि पिछले हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरीके के पोस्ट होने जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक हैं। हर कोई भी, हर कौम में कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहते हैं, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर ऐसे पोस्ट कर रहे हैं वो कोई भी संघ या संस्था के हो या किसी के भी माध्यम से वो बोल रहे हो, तो ये बहकावे जो भाषण कर रहे हैं उनके बातों को आप कभी भी गंभीर साते न ले, क्योंकि ये लोगों का काम है कि भड़काओ और झगड़ा लगाओ। यहाँ के जो बीजापुर में इतने अच्छे तरीके से हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, और आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले दो दिन तीन दिन पहले एक बहन भी अपने ज़बान से, एक स्वामी जी भी अपने ज़बान से जिस तरीके की खड़ी सुरी सुनाई, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर इसके बावजूद भी हम सब लोगों को बर्दाश्त करना ज़रूरी है कि उसके मामले में पुलिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि कोई एक सड़क पे कोई स्ट्राइक होता है तो 100 मोटो केस डालते हैं, कोई एक पोस्ट लगाता है तो उसे एक ऑटो रिक्शा के ऊपर भी अगर कोई पोस्ट लगा के घूम रहा है तो इसके ऊपर भी पुलिस केस डालते हैं। मगर इतनी बड़ी अनाहत होने के बाद अगर 100 मोटो पुलिस नहीं कर सकती तो ये विफल जो बीजेपी सरकार का है ये इस पर दिखा सकता है। अगर इसके बावजूद भी हमें ये मालूम हो रहा है कि फलाना ये जगह धांधल हो रही है, फलाना जगह ये गलत हो रहा है, तो सबसे पहले हम पुलिस डिपार्टमेंट को समझाएं और किसी के बातों में ना आए, कोई गलत काम ना करें और किसी के बहकावे में ना आए। क्योंकि क्या होता है कि वो एकला बोला तो उसके काउंटर में मैं बोला, उसके काउंटर में वो बोला, ये बात बिगड़ते चले जाएगी, झगड़ा होते चले जाएगा, आपस में भाईचारा का ख़त्म होगा। हमको ये नहीं करना है, हमको ये करना है कि हर कौम के लोगों के साथ में रहकर, और जो गलत कर रहे हैं, जो भी कोई गलत करने दो, जो गलत कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट के थ्रू उन लोगों को सजा दिलाएंगे, उनको एक्शन लेने लगाएंगे। जब डिपार्टमेंट भी नहीं अगर उसका एक्शन ले रही तो कानून कार्रवाई उन लोगों के ऊपर हम खुद करेंगे, और अपने अपने मोहल्ले के जो लोग हैं जो शांति समझ कर शांति करने का उनको जो प्रीति विश्वास के साथ रहते हैं उन लोगों की बात सुनकर कोई किसी के पोस्ट का जवाब ना दें और ना ही लाइक करें ना शेयर करें, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आजकल क्या हो रहा है कि किसी जगह से कोई बेंगलुरु में, शिमोगा में, दावणगिरी में, इधर से उधर से कोई पोस्ट करता है तो हम लोग उसे शेयर करते हैं तो इससे भड़क जाता है। तो ये भड़काने की कोशिश हम न करें और ना लाइक करें ना शेयर करें। जो भी अगर ऐसा अपने अपने शहर में, कम से कम बीजापुर में यहाँ के SP, एडिशनल SP साहब, DSP साहब, CPI साहब, नायकोड़ी साहब वगैरह जितने भी PSI हैं, सब लोगों के कोऑपरेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई दंगा फसाद न होगा, और हम पुलिस डिपार्टमेंट पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी मोटी भी अगर हमारी बात हो रही है तो हम ताबड़तोड़ उनको बताएंगे, ये वहीं का वहीं ख़त्म करेंगे, वरना धांधल होने से भाईचारा का ख़त्म होगी और हम कोई भी सुख से नहीं रह सकते, हम कोई शांति से नहीं रह सकते। किसी का भी नुकसान वो नुकसान हमारा ही है। और अगर गुस्से में आकर कोई माल तोड़फाड़ करने का, वो करने का, शिमोगा में देखा मैंने TV में बहुत सारा नुकसान करें, उसके जिम्मेदार कौन है, डिपार्टमेंट वाले उनसे लेते हैं नहीं लेते वो भी देखना है हमें, हम डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ भरोसा करके देखना है। क्योंकि जिस तरह से माहौल क्रिएट करने जा रहे हैं, ये भड़कावा भाषण देना या भड़कावे कौम को बदनाम करना, कौम को गाली देना, ये जो भी लोग कर रहे हैं, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ये गलत काम कर रहे हैं, हमको ये नहीं करना है, हम इनके बातों में न आना है। हमको अच्छे तरीके से मोहब्बत से सब भाईचारे के साथ हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के रहना है, कोई किसी के बारे में गलत सलत न बोले, ये मेरी अपील है। आप लोग समझ सकते हैं कि हमको यहीं रहना है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी बन के रहना है, हिंदुस्तानी बन के मरना है, हमको हिंदू मुसलमान का गलाटा झगड़ा नहीं करना है, ये हम आपस में भाईचारे के साथ रहना है। अगर गलती से भी ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, अगर आप उनको नहीं बोल सकते तो हम लोगों को बोले, हमारे लीडरों को बोले, वो जाके
हम पुलिस डिपार्टमेंट को समझाएंगे, वहाँ पे कुछ न होने, गड़बड़ी न होने देंगे, हम आपके साथ में रहेंगे, आप लोगों की खिदमत करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। जो भी गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, कानून उसकी सज़ा उन लोगों को देगा। हम लोग कानून का साथ देंगे, कानून के संविधान के मुताबिक रहेंगे, और जो भी आने वाले फैसले भी हैं, जो कानून बोलता है वो कानून के मुताबिक हमको मानना ज़रूरी है। अब इसका सबूत एक जिंदी मिसाल मुसलमानों के लिए है कि जब अयोध्या का मामला हुआ तो कितने शांति और अमन के साथ वो आदेश को कबूल किया। उसी तरह से आने वाले अगर कौन से भी ऐसे फैसले हैं तभी हम उसे कानून के सामने सर झुका के हम मान लेंगे। हम सब मिलजुल कर रहेंगे, हिंदुस्तान में अमन और शांति रखेंगे। खास करके बीजापुर में कोई छोटा मोटा भी गलाटा नहीं हुआ, अब होने नहीं देना चाहिए। हम उसकी मजम्मत करेंगे जो होता है। तो अब साथ साथ में जो भी जो फिरकापरस्त लोग हैं वो कोई भी क्यों ना हो, अगर वो गलत सलत नज़र आ रहा है तो ताबड़तोड़ हम पुलिस को समझाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ नौजवानों से खास करके कोई किसी की बात न सुनते हुए अपने अपने कारोबार में लग जाएं और अपने काम में लग जाएं। खासकर एजुकेशन के मामले में अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, कुछ ऑफिसर बने ताकि आप लोग अपने कौम को मदद कर सकें। वरना ये झगड़े फसाद में किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, ना हिंदू को हुआ ना मुसलमान को हुआ। हमको अमन से और शांति से रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग दुआ करें कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.